दोस्तों फाइनली फाइनली हम पहुंच चुके हैं मोदी जी की गुफा। हर हर महादेव दोस्तों। दोस्तों मैं आपका दोस्त राजेश और फिर से आपका स्वागत करता हूं एक प्यारे से वीडियो के अंदर, केदार वैली के, इस केदार वैली के अंदर। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में लेके चलूंगा 18 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने जिस गुफा में तपस्या की थी उस गुफा में मैं आप सभी दोस्तों को लेके चलूंगा। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना कठिन भरा ये रास्ता है, यानी कि ये मंदाकिनी रिवर है, उसको पार करते हुए उस पुल से हम मंदाकिनी रिवर को पार करेंगे और वहाँ से होते हुए वहाँ तक जाएंगे। वो नरेंद्र मोदी की गुफा है, वहाँ तक जाएंगे। तो ये दृश्य बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों। पहले आपको ये पुल पार करना पड़ेगा, जो बाबा बर्फानी वाले बाबा जी हैं उनकी तरफ जाते हैं ना, वो वाला ही पुल पार करना पड़ेगा। और उसी के जस्ट राइट साइड से आप मोदी की गुफा की तरफ जाओगे। आप देखोगे ना मोदी की गुफा वो रही है उस जगह पे, ये यहाँ पे है, ये रास्ता जा रहा है ना, ये मोदी की गुफा का ही जा रहा है। और हम साथ में तीन बंदे हैं और तीनों मोदी की गुफा की तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है, लेकिन आपको मज़ा आने तो कुछ। ये इस कच्चा रास्ता है और ऐसे प्रॉपर रास्ता तो उधर से है, लेकिन वो यहाँ पे बंद हो रखा है और किस कच्चे रास्ते से जाना पड़ेगा। थोड़ा आगे चलेंगे ना तो वहाँ से प्रॉपर रास्ता मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर रही है ये मोदी की गुफा और यहाँ पे हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, यानी कि पानी से बिजली बनाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो पाइप लगे हुए हैं, तो पाइपों के आगे टरबाइन लगाई हुई है और टरबाइन से वो बिजली बनाई जाती है। तो ये एक अनोखी चीज़ देखने को मिली। मैं सोच रहा था कि नीचे से ये सारी बिजली आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी बिजली बनाई जाती है। तो चलता है मोदी की गुफा। तो इस तरह का ये पूरा रास्ता देख रहे हो ना आप, ये पूरा इस तरह का रास्ता है। आप आराम से जो मोदी जी की गुफा है वहाँ तक जा सकते हो। दोस्तों ये जो केदार नगरी है ना, आप यहाँ से ऊपर से देख रहे हो ना कितनी सुंदर और कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो कितने ऊपर से जो इनकी छतें हैं ना, कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे देखोगे ना इस जगह पे तो वो रेड रेड की कितनी प्यारी प्यारी छतें दिख रही हैं। और ये कुछ इस तरह का दृश्य है। और बाबा का जो मंदिर है ना, जो हमारे केदार बाबा का मंदिर है, ये रहा आप ये देख लो ना, ये रहा केदार बाबा का मंदिर। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने एक चीज़ नोट की कि इस पहाड़ी पे है ना जो बर्फ़ ज़्यादा है, यानी इस पहाड़ी पे नीचे तक बर्फ़ है आप देखोगे ना, और इस वाली पहाड़ी पे बर्फ़ कम है, आप ये देख सकते हो। यानी इस पहाड़ी ये जो बाबा भैरू बाबा की पहाड़ी है ना, उस पे तो आपको नीचे तक बर्फ़ मिलेगी, लेकिन इसी पे ये भुग्याल देखने को मिलेंगे, इस तरह के भुग्याल देखने को मिलेंगे। यानी दो दिन पहले यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बर्फबारी थी, लेकिन वो धूप निकल गई इस वजह से हट गई थी, यानी 4 इंच बर्फ़ थी यहाँ पे। आपको देखने में तो ये नीचे से देखोगे ना तो ये ऐसा लगेगा ये रही मोदी जी गुफा, लेकिन 2.5 किलोमीटर है, यानी जो पावर प्लांट है ना वहाँ से इस मोदी जी गुफा 2.5 किलोमीटर है, लेकिन 2.5 किलोमीटर में भी आपको ऐसे रुक रुक के सांस ले के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप यानी 100 मीटर चलोगे और आपका सांस फूलने लग जाएगा। तो मैं तो रुक रुक के मोदी जी की गुफा की जाने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ मोदी जी की गुफा खुली मिलती है या बंद मिलती है, क्या रहता है वो तो वहाँ चलने के बाद में पता चलते हैं चलेगा। तो चलते हैं। ऊंचाई पे आ चुके हम, आप देखोगे तो वो तो गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति है वो है, और इस तरफ देखोगे ना तो ये बाबा केदारनाथ का मंदिर है, यानी कि मंदिर से पीछे आ गए और वो भीमशिला। और अभी जो बाबा केदारनाथ के मंदिर में जो श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही ना वो भी ज़बरदस्त है, और मौसम तो अभी साफ है, इस वजह से हम इतनी दूरी पर चढ़ाई कर पा रहे हैं। वो अभी थोड़ी दूरी रही है मोदी जी की गुफा,
दोस्तों दोस्तों फाइनली फाइनली हम पहुंच चुके हैं मोदी जी की गुफा। मोदी जी की गुफा जो केदारनाथ की जो पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है ना, वहां पे हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एक हवन कुंड है, और आप इस यहाँ से आप देखोगे ना तो ये पूरा जो ट्रैक है ना, आपको जो केदारनाथ बाबा के मंदिर तक आने का जो ट्रैक है नीचे से ऊपर तक, वो पूरा ट्रैक दिखता है। ऐसे ऐसे ही साफ ये नज़र आता है कि वहाँ से होते घूमते हुए यहाँ तक आना पड़ेगा। और पूरी ये जो केदार नगरी है, केदार घाटी है, वो पूरी साफ यहाँ से दिख रही है। तो कैसा लग रहा है दोस्तों आपको ये वीडियो, कमेंट के माध्यम से बताना। और मोदी जी की जो गुफा है ना, तो आप देखोगे वो सामने रही, आप वो देख रहे हो ना, वही मोदी जी की गुफा है। और यहाँ पे जो 2019 में मोदी जी आए थे 18 मई को, और उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, तो वही मोदी जी की गुफा है। तो यहाँ पे चलेंगे। एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों आपको, यहाँ जो केदार नगरी है ना, इसमें आठ टोटल आठ गुफाएं हैं, यानी कि एक ये रही, एक उधर है। और इस पहाड़ी के क्षेत्र में जो दोनों पहाड़ है ना, उनमें आठ गुफाओं का निर्माण किया किया हुआ है, और कुछ गुफाएं प्राकृतिक भी है। आप सामने देख रहे हो ना, यही वो मोदी जी की गुफा है जिन्होंने 17 घंटे यहाँ पे तपस्या की थी 19 मई 2019 को। 18 मई 2019 को मोदी जी ने यहाँ 17 घंटे तपस्या की थी। ये वही जो गुफा देख रहे हो, यहाँ आपको आने में थोड़ा कठिन रास्ता तो, लेकिन यहाँ आओगे ना तो इस प्रकृति के सुंदर नज़ारे देख पाओगे। आप देखोगे कि यहाँ से जो केदार घाटी दिखती है ना, वो कितनी खूबसूरत और कितनी सुंदर दिख रही है। आप देखोगे जो केदारनाथ घाटी पे जो श्रद्धालु आते हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं, हेलीपैड कितने कितने बने हुए हैं, और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे है, ये पूरा दृश्य इस जगह से आप देख पाओगे। मैं हूँ अरविंद शुक्ला केदारनाथ से, और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं इस समय मोदी गुफा पर। ये मोदी गुफा के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ, इससे पहले आपदा से पहले यहाँ पे कृष्णा माई हुआ करती थी, वो रहती थी, साध्वी थी। अच्छा। और जब आपदा के बाद, आपदा से पहले ही वो कृष्णा माई स्वर्गवासी हो गई थी। उसके बाद आपदा के बाद जब मोदी जी यहाँ पे आए, तो उन्होंने एक दिन यहाँ पे ध्यान किया था, तब से लोग इसको मोदी गुफा के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो वो मोदी जी आए थे 2019 में आए थे, 18 मई 2019 जब इलेक्शन था उस समय यहाँ पे मोदी जी आए थे, और एक रात यहाँ पे ध्यान किया था। अच्छा, जैसे कोई श्रद्धालु आता है तो यहाँ पे मोदी जी की गुफा जो अंदर से देखना चाहता है, वो आप उसके लिए आप GMBN में जाइए, GMBN में बुकिंग होता है उसका, शायद 1800 ऐसा कुछ उसका पड़ता है, उनकी व्यवस्था यहाँ पे रहती है। अच्छा, फिर वो आके आपको दिखाएंगे, बस पूरी मोदी गुफा दिखाएंगे। तो आप यहीं के रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ पे एक तो मोदी जी की गुफा है, और इधर से अगर 4 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वो चोराबाड़ी ताल बोल करके एक जगह है, जहाँ से ग्लेशियर आया था, वही आया था वो। अभी लेक तो है नहीं वहाँ पे, लेक तो खत्म हो गया, बट वो जो है देखने लायक जगह है, अभी वहाँ जाना संभव नहीं है। ठीक है, और इधर से जाएंगे ऊपर 8 किलोमीटर पे बासुकी ताल है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। श्रावण के बाद वहाँ पे ब्रह्म कमल फूटते हैं। श्रावण के बाद में तो 7 किलोमीटर ट्रैक कैसा है वहाँ का जाने का? हाँ, वो उस साइड से ट्रैक है, वो आप जाइएगा आराम से, लेकिन गाइड साथ में लेना चाहिए। अच्छा। बगैर गाइड के कहीं नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो मोदी जी की गुफा है, तो ये ऊपर ही बिल्कुल चट्टान है, और इसी के अंदर, ये चट्टान के अंदर ये पूरी गुफा बनी हुई है। तो आप जब भी मोदी जी की गुफा देखने आते हो तो GMB से बुकिंग करके आइए, और आप अंदर से भी देख सकते हो। तो मैं अपने प्रिय मित्र से कहूँगा कि थोड़ा नीचे चलेंगे, नीचे चल के वो चट्टान दिखाएंगे जिसमें ये जो मोदी जी की गुफा बनी हुई है ना, वो दिखाएंगे। तो आप देखोगे तो यही इसी चट्टान के अंदर ये पूरी मोदी जी की गुफा है। तो दोस्तों यहाँ पे मोदी जी की गुफा के साथ साथ इस प्रकृति का आनंद भी ले सकते हो। यहाँ पे जो सुंदरता दिखती है ना इस केदार वैली की, जो देखने को अलग ही देखने को मिलती है। और आप जो जो आपदा आई थी ना, वो वाला भी हिस्सा देख रहे हो, तो अब तो काफ़ी निर्माण कर दिया गया है इसके अंदर। जैसे पीछे से पत्थर आएंगे ना, तो पत्थरों को ये जो जाली लगा रखी है ना, वो रोकेंगे, और पानी पानी आगे जाएगा तो ये बड़ी सी दीवार लगा दी है जिससे वो पानी रुकेगा, और जो पानी यहाँ से ही दो हिस्सों में चला जाएगा, एक तो उस तरफ चला जाएगा, एक इस तरफ चला जाएगा। और वो सामने वाला पुल देख रहे हो ना, उस जगह पे वो पानी आके मिल जाएगा, और वो
जो मंदाकिनी रिवर है ना, ये मंदाकिनी रिवर आके जो गंगोत्री गौरीकुंड होते हुए देवप्रयाग, करणप्रयाग, रुद्रप्रयाग जाके ऋषिकेश, हरिद्वार जाके आगे निकल जाएगी। तो ये यहाँ से मैं आपको ये सुंदर दृश्य दिखा रहा हूँ, और जो बाबा भैरवनाथ का मंदिर है ना वो वहाँ से दिख रहा है। तो मैं आप कह सकते हो बाबा भैरवनाथ के जो मंदिर है ना उससे भी थोड़ी ऊंचाई पे ये स्थान है।